गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। आज हम सीखने वाले कैन और कुड का यूज, तो आइए सीखते हैं। देखिए, कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? ऐसा वाक्य जिस वाक्य के अंत में वर्ब के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, ठीक है। और हम एपीसी पर ध्यान देते हैं। एपीसी क्या है? एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी, यानी किसी काम को करने की किसी व्यक्ति की एबिलिटी, किसी व्यक्ति की पावर या किसी व्यक्ति की कैपेसिटी। तो एग्जांपल से समझ लेंगे हम। आपको मॉडल का रूल पता ही है, हमने दूसरी वीडियोस में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, यहाँ पर भी किया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस परफॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस रूल से हम चलेंगे। मान लीजिए हमारा पहला सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यानी कि मेरे पास एबिलिटी है, कि मेरी एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब की जगह हमने कैन को यूज किया, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं उसे बीट सकता हूँ, यहाँ पर किसी की पावर की बात हो रही है। आई कैन बीट हिम, बीटने की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसी की पावर यूज हो रही है, साथ में वर्ब के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं जैसे शब्द भी आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, यहाँ मेरी क्षमता की बात हो रही है, मेरी कैपेसिटी की बात हो रही है। आई कैन रन 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है कुड। अब कुड का यूज कहाँ करते हैं? एक तो कुड होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन, यानी कि कैन वाले सेंटेंस अगर हम पास्ट में बनाएंगे, जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं उसे पीट सकता था, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था, ये सारे सेंटेंस अगर पास्ट में चले जाएंगे तो हम वहां पर कैन की जगह कुड यूज करेंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, आई कुड बीट हिम, मैं उसे पीट सकता था, ठीक है। इसके अलावा कुड का एक और यूज है, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, आप इसे यूज करते हैं। विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप किसी से निवेदन करते हैं किसी से, तो वो सेंटेंस ज्यादातर इंटरोगेटिव ही होते हैं। ऐसे में हम कुड का यूज कैसे करेंगे देखते हैं। क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं? हम किसी से रिक्वेस्ट करें कि क्या आप हमें 100 रुपए उधार दे सकते हैं, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई आपकी, ठीक है। सेंटेंस लेते हैं, कुड यू लेंड मी 100 रुपीज। हमने कुड को पहले क्यों लगाया? क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। कुड यू लेंड मी 100 रुपीज प्लीज। Could you help me? क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं? To complete my homework, मेरे होमवर्क को कंप्लीट करने में। तो could का यूज करेंगे हम पोलाइट रिक्वेस्ट और पास्ट फॉर्म में, कैन की पास्ट फॉर्म में। और कैन का यूज करेंगे हम जहाँ पर वर्ब के साथ सकता है, सकती है, सकते आता है और हम एपीसी की बात करते हैं। आई होप आपको कैन और कुड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।